ये मुगरा बादशाहपुर के लोग हमारे हैं, क्योंकि हम किसी को भी कह सकते भैया आप चले जाइए बारात पे देखिए जल्दी आए, आप चले जाइए खाने पे खड़े हो जाइए, आप चले जाइए काफी वाले पे देख लीजिए, लेकिन जौनपुर जिले पे आया हुआ प्रजाति वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको क्या पता ये कौन है, इनको हम कह सकते हैं कि नहीं, लेकिन हमारा अधिकार है अपने मुगरा के लोगों पे, मैं उनको कहूंगा आप यहाँ खाने खड़े रहिए, आप देखते रहिए ये कम पड़ जाए, आप देखते रहिए, कोई दिन घट नहीं रहा पड़ नहीं रहा, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो ऐसी स्थिति में आप सबका सहयोग अपेक्षित है, धन से ज्यादा तन और मन की जरूरत है, धन को देने वाले पूरे देश के प्रजाति नगर के अन्य समाज के लोग भी कह रहे हैं गुप्त दान ले लीजिए मेरा, आप ईश्वर की कृपा से ऐसे संबंध है कि लाख दो लाख रुपए तो खेल दे तो गैर बिरादरी दे देगी गुप्त दान, कि भैया मेरा नाम नहीं मत बताइए, मुझे निमंत्रण भी मत दीजिए और मेरा पैसा लेकिन ने काम में ले लीजिए, ऐसे सहयोगी नगर में है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका सहयोग क्योंकि उमर भाई समाज का कार्यक्रम है, उमर भाई समाज को ही निमंत्रित करना है, मीडिया बंधु लोग तो भाई पर समाज के हैं, उनको तो मीडिया तो पूरे मुगरा के जितने भी है सबको बुलाना पड़ेगा, नहीं तो नाराज हो जाएंगे, तो मीडिया बंधु को तो बुलाना ही है, लेकिन समाज के सबको बुलाना है, बताया गया कि अन्य प्रजाति बंधुओं में तीन लोग नंदी जी को माननी और सरोज जी को सीमा देवी जी को उनका कार्ड में नाम छपा है, कार्ड भी आज छप गया, कल से चलने का शुभारंभ पूरे जनपद में हो जाएगा और अगली बैठक 2 तारीख को एक महत्वपूर्ण बैठक अंतिम कड़ी जिसमें ड्यूटी लगाई जाएगी कि कौन क्या काम करेगा। आप मुगरा बादशाहपुर के मुगरा बादशाहपुर के सभी सम्मानित प्रजाति बंधुओं जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं उन्हें विशेष रूप से यह निवेदन किया जा रहा है कि 2 तारीख को एक महत्वपूर्ण बैठक फिर 1 तारीख को यही होगी जिसमें अंतिम कार्य योजना के बारे में बात तो यही है, लेकिन उसका अंतिम रूप से अपनी स्थिति में कितना पैसा आ गया, कितना पैसा कम पड़ेगा या व्यवस्था में और क्या क्या पड़ गया, क्या जरूरत पड़ेगी, इसके लिए महत्वपूर्ण बैठक 2 तारीख को भी होगी। अभी जिला कमेटी और मुगरा बादशाहपुर 26 फरवरी को उमर बैस महासभा स्वजाति बंधुओं का सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित इसी पैलेस ग्राउंड में होना सुनिश्चित हुआ है, जिसी कार्यक्रम को लेकर के आज उमर बैस महासभा की बैठक आयोजित हो रही है, जैसा कि हम आपको दिखा भी रहे हैं, पूर्व चेयरमैन मुगरा बादशाहपुर कपिल मुनि गुप्ता जो कि बैठक को संबोधित कर रहे हैं, जैसा कि आप देख भी रहे हैं ये इस कार्यक्रम की रूपरेखा, चूंकि यह बहुत ही भव्य कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होना है, कई बड़े ऐसे महान दिग्गज इस कार्यक्रम के अगुआ बनेंगे, इस कार्यक्रम के मेहमान बनेंगे, कैबिनेट मंत्री जी हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, बहुत सारे ऐसे वीआईपीज जो इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में उपस्थित होंगे और यह इस कार्यक्रम की रूपरेखा को तय करने के लिए कि इसका स्वरूप कितना बेहतर होगा, जो 26 फरवरी को आयोजित होना है उसी कार्यक्रम को रूपरेखा को तय करने के लिए यहां पर मौजूद सभी उमर बैस समाज के सभी लोग, सभी पदाधिकारी राष्ट्रीय स्तर पर, चूंकि इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कपिल मुनि गुप्ता जी हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार गुप्ता जी हैं और इसके कई ऐसे बड़े राष्ट्रीय पद पर आसीन आलोक कुमार गुप्ता, पिंटू सिनेमा जी हैं, अशोक कुमार जी हैं जो कि इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम के मेन कर्ता धर्ता हैं, ऐसे तमाम लोग यहां पर आयोजित हैं मौजूद हैं। आज सामूहिक विवाह कार्यक्रम जो कि 26 फरवरी को निर्धारित है, इसके पहले भी आपके कार्यक्रम का समाचार पूर्वांचल लहर लाइव न्यूज चैनल ने चलाया भी है, चूंकि आज उन्हीं व्यवस्थाओं को स्वरूप देने के लिए आज आप लोगों ने एक बड़ी बैठक आयोजित किया सृष्टि पैलेस में, तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महासमा उमर बिरादरी के, तो आज जो आपने बैठक किया है उसको उसकी क्या रूपरेखा आपने तय किया है? तैयारियों के संबंध में आज बैठक थी, पूरे जिला से और मुगरा बादशाहपुर से अधिक संख्या में उमर बैस समाज यहां पर उपस्थित हुआ है, सामूहिक विवाह का एक बड़ा आयोजन 26 फरवरी को होगा, उसी की रूपरेखा को अंतिम रूप आज दिया जाना था जो पूर्ण बैठक में सभी के सहयोग से संपन्न हो गया। उमर बैस समाज का एक बड़ा कार्यक्रम प्रथम सामूहिक विवाह निःशुल्क
यहाँ पर 26 फरवरी को संपन्न होगा। 11 जोड़ों की शादी की व्यवस्था हो गई है। बारात सिद्धि फदम से उठकर 50 पैलेस 12 बजे फुट के 3 बजे तक आएगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी हैं। मुख्य अतिथि श्री बीपी फरोज सांसद मछलीफार एवं विशिष्ट अतिथि श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, पूर्व विधायक मुगरा बाफापुर एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय हैं। और उन सब की निगरानी में माननीय जिलाधिकारी महोदय जौनपुर, पुलिस अधीक्षक महोदय जौनपुर, थाना अध्यक्ष मुगरा बाफापुर, उप जिलाधिकारी महोदय मछलीफार, सभी प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में इतनी बड़ी व्यवस्था उमरबैस समाज की संपन्न होगी। ट्रैफिक कंट्रोल पुलिस के माध्यम से, उमरबैस समाज के माध्यम से सारी व्यवस्थाएं समाज सेवियों के द्वारा संपन्न कराई जाएगी। उमरबैस समाज के पूरे जनपद के सहयोग से और कुछ सहयोग पूरे देश से मिल रहा है, ये इतनी बड़ी व्यवस्था संपन्न हो रहा है। हम लोग बहुत खुश हैं कि उमरबैस समाज इतना बड़ा कदम समाज के हित में उठा रहा है। धन्यवाद। हमारे बीच में देखिए मौजूद हैं अशोक कुमार जी, जो कि सामूहिक विवाह के आप जिला के अध्यक्ष हैं। आइए आपसे बात करते हैं। सर ये बताइए, जो ये आप 11 जोड़ों के बच्चे और बच्चियों की शादी करा रहे हैं, ये उमरबैस समाज से ही आते हैं या किसी और भी जाति के हैं? ये अपने बैस समाज के हैं, स्वजाति समाज के बच्चे हैं। हाँ, और आज जो 11 जोड़े की शादी हो रही है, ये सभी स्वजातियों के सहयोग से, मेहनत से, लगन से, सभी तन मन धन से लगे हुए हैं। और ऐसा कार्यक्रम हमारे विगत कई वर्षों से प्रतापगढ़ में होता आ रहा है। जौनपुर जिला में पहली बार ये आयोजन निःशुल्क स्वजाति सामूहिक विवाह होने जा रहा है। हम लोगों ने एक टीम बनाया, कई विगत वर्षों जो प्रतापगढ़ में कार्यक्रम सामूहिक विवाह का चल रहा था, तो यहाँ पे हमारे कपिल मुनि चेयरमैन जी और मीडिया प्रभारी राजकुमार नेता जी, महामंत्री जी और राकेश जी, संगमलाल प्रधान जी, इन लोगों से, घनश्याम भर जी सहयोग से हम लोगों ने एक मीटिंग गठन किया। मीटिंग गठन करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि सामूहिक विवाह जौनपुर जिला में होना चाहिए। और सभी लोगों का सहयोग इतना अच्छा, बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सेदारी हो रही है सामूहिक विवाह कार्यक्रम में, कि जो आज हमारे मुगरा बादशाहपुर की पावन धरती पर 26 फरवरी 2020 को होने जा रहा है, आज मुगरा बादशाहपुर के स्थानीय लोगों द्वारा मीटिंग किया गया, उनको कार्यभार की जिम्मेदारी देते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए उसे सुझाव भी लिया गया। यह कार्यक्रम मुगरा बादशाहपुर में हो रहा है, किस ढंग से हो, जो कार्यक्रम की रूपरेखा अच्छे से बने। धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे अशोक कुमार जी। अब देखिए हमारे बीच में मौजूद हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता उमरबैस महासभा के, आइए इनसे हम बात करते हैं। प्रवक्ता जी, ये जरा सा हमें आप जानकारी उपलब्ध कराइए, ये जो सामूहिक विवाह उमरबैस महासभा जो आयोजित कर रही है, ये जौनपुर जिले में ये पहली बार आप ऐसा आयोजित कर रहे हैं? सबसे पहले हम आपकी जानकारी दे दें, इस सामूहिक विवाह का आयोजन जनपति उमरबैस समाज की तरफ से किया जा रहा है। साथ में हमारे जिला महामंत्री डॉक्टर राकेश कुमार जी हैं, आप जिला कोषाध्यक्ष हैं और जिला संयोजक भी हैं, और कपिल मुनि जी इस सामूहिक विवाह के संरक्षक हैं, और राष्ट्रीय महासभा जो है इसमें सहयोग कर रही है, और उन्हीं की देखरेख में, चूंकि मुगरा बादशाहपुर भी होना है, उन्हीं की देखरेख में यह संपन्न होगा, जिसमें मुगरा बादशाहपुर और जौनपुर जिले का प्रत्येक स्वजाति यहाँ तन मन धन से साथ में खड़ा है। उसी के परिपेक्ष में आज उसी की आखिरी बैठक 60 पैलेस में की गई है, चूंकि आयोजन भी यही होना है, उसकी रूपरेखा तय की गई है और सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान कैसे किया जाएगा इसकी रूपरेखा संपूर्ण हो चुकी है, बैठक का समापन हो गया है और कार्यक्रम के लिए सभी स्वजाति समाज का आह्वान किया गया है, सब लोग मिलकर तन मन धन से सहयोग करें, इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। अच्छा प्रवक्ता जी, एक जानकारी ये मैं चाहता हूँ, हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की भी एक बहुत बड़ी मंशा है इस तरीके की सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन को लेकर के, आज उमरबैस महासभा जौनपुर जिले में पहली बार इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है, इसके पीछे उनकी मंशा क्या है? जैसे कि आपकी जानकारी में पुनः हम डाल दें, हमारा उमरबैस समाज पूरे देश में सामूहिक विवाह का कार्यक्रम बरसों से कराता आया है। हमारा पड़ोसी प्रतापगढ़ जो जिला है, वहाँ भी पिछले 11 सालों से सामूहिक विवाह का आयोजन हो रहा है। सूरत में भी पिछले 3 सालों से सफल आयोजन होता रहा है। उसी कड़ी में चूंकि राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी और जिला कमेटी ने तय किया है, इसलिए प्रथम विवाह मुगरा बादशाहपुर जौनपुर जनपति की तरफ से आप कह लीजिए, हमारे समाज के द्वारा उमरबैस समाज का विवाह सामूहिक विवाह बराबर होता आया है, ताकि इसमें जो भी
स्वजाति हैं जो कमजोर हैं उनका विवाह संपन्न हो जाए और बड़े मंच पे हो जाए, राष्ट्रीय नेतृत्व के नेतृत्व में हो जाए, इसलिए ये व्यवस्था की गई है कि हमारा समाज बढ़ चढ़कर इस सामूहिक विवाह में अपना सहयोग करे और सरकारी जो सहयोग मिलेगा उसको भी दिलाया जाएगा। हम आशा करते हैं कि आपका यह कार्यक्रम पूर्णतः सफल हो या आयोजन जो है पूरी तरीके से सफल हो। क्या सफल आयोजन के बाद आने वाले भविष्य में क्या इसकी रूपरेखा या इसका स्वरूप क्या बृहद रूप में आप करना चाहेंगे जिसमें दूसरे समाज के परिवार के लड़के और लड़कियों को भी आप जोड़ सकेंगे? फिलहाल ये पहली योजना उमरबै समाज के ही लोगों के लिए है, चूंकि ये प्रथम हमारा योजना है, इसकी कार्यरूपा तय हो चुकी है, आगे क्या होगा भविष्य बताएगा, लेकिन हर साल उमरबै समाज ऐसा आयोजन जिला समिति जौनपुर करेगी जिसमें देश भर के कोई भी अपने समाज के कोई भी स्वजाति कहीं का भी हो उसका सामूहिक विवाह यहाँ हो सकता है और उनका जो भी सहयोग मिलेगा उनका सहयोग लिया जाएगा, लेकिन उनसे मांगने के लिए जिला समिति जिले के बाहर नहीं जाएगी। धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे राजकुमार नेताजी जो कि उमरबै महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ बात कर रहे थे अशोक कुमार जी जो कि इस सामूहिक विवाह के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ बात कर रहे थे राकेश कुमार जी जिला महामंत्री उमरबै महासभा के, और घनश्याम जी बात कर रहे थे जो कि इसी समाज के संगठन मंत्री हैं, विशेष सहयोगी हैं। एक बड़ा कार्यक्रम, एक बृहद कार्यक्रम जो कि आज उसका स्वरूप इन लोगों ने तय किया है इसी सृष्टि पैलेस में, जिनको मैं आपको बराबर दिखा रहा हूं। और पूर्वांचल लहर लाइव न्यूज चैनल आपको 26 फरवरी को पूरा पॉइंट टू पॉइंट आपको समाचार कवर करते हुए दिखाएगी इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम जो कि सरकार की भी एक मंशा है। ऐसे ऐसे सामाजिक संगठन जिनकी अपनी एक सोच है कि ऐसे गरीब परिवारों के लड़के और लड़कियों को एक धागे में जोड़ना, उनको दाम्पत्य जीवन में जोड़ना, शादी विवाह कराना, तो एक बड़ी सोच के साथ उमरबै महासभा का नेतृत्व कर रहे यहाँ के स्थानीय लोग जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर भी विराजमान है, कपिल मुनि गुप्ता, आलोक कुमार पिंटू सिनेमा जो कि मुगरा बादशाहपुर के प्रबुद्ध समाज सेवी है, ऐसे तमाम उमरबै महासभा के स्वजाति बंधुओं ने इस कार्यक्रम को आयोजित करना है। और पूर्वांचल लहर लाइव न्यूज चैनल की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई उनके कार्यक्रम के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए। धन्यवाद। आप बात कर रहे थे राम कुमार जायसवाल से, विशेष संवाददाता। धन्यवाद।